हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वास्तु ज्ञान। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल वास्तु ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही फायदेमंद जानकारी। दोस्तों, आज हमारा खास टॉपिक है कि कपड़े भी बना और बिगाड़ सकते हैं आपकी किस्मत। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं। व्यक्ति की पहचान उसके कपड़ों से होती है। कपड़े हमारे शरीर को ढकने का काम तो करते ही हैं, ये हमारे व्यक्तित्व, व्यवसाय, चरित्र, व्यवहार, आत्मविश्वास को भी दर्शाते हैं। किसी भी व्यक्ति को उसके कपड़े पहनने के तरीके, कपड़े के रंग और उनकी गुणवत्ता से आसानी से पहचाना जा सकता है। भारतीय संस्कृति पर पश्चिम संस्कृति का प्रभाव आने से आजकल फटे कपड़े जैसे जीन्स, टॉप आदि पहनना युवाओं के बीच खासा लोकप्रिय है। लेकिन ऐसे कपड़े पहनना हमारे संस्कृति में शुभ नहीं माने जाते, क्योंकि ऐसे कपड़े पहनने से शुक्र ग्रह प्रभावित होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार फटे कपड़े पहनने से शारीरिक क्षमता एवं ऊर्जा नष्ट होती है। ये हमारे तन मन को शिथिल बनाकर कई प्रकार की बीमारियों को जन्म देता है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को प्रेम, रोमांस और दाम्पत्य जीवन की मधुरता के लिए उत्तरदायी ग्रह माना गया है। इसके अलावा भोग विलास और जीवन की गुणवत्ता का कार्य शुक्र के ही हाथों में होता है। फेंगशुई में भी फटे कटे जीन्स पहनने को काफी गलत माना गया है। फेंगशुई के मुताबिक फटे पुराने कपड़े हमारे लिए बुरा संयोग लेकर आते हैं। फटे कटे जीन्स और शर्ट पहनना दरिद्रता को बुलाना है, इसलिए कभी भी हमें फटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए और ना ही खरीदने चाहिए, फिर चाहे वे कितने भी आकर्षक क्यों ना हो। फटे कटे जीन्स पहनकर हम अपने दोस्तों के बीच भले ही अच्छे लगें, लेकिन ये हमारे अच्छे संयोग को बुरे संयोग में बदल देते हैं। इसी प्रकार के कपड़े ना सिर्फ कहीं बाहर जाने के लिए खराब माने जाते हैं, अपितु इन्हें घर में पहनने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का श्रेय होता है और घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। कपड़े हमेशा बुधवार, वीरवार एवं शुक्रवार को ही नए कपड़े धारण करने चाहिए। शनिवार के दिन कोई नया कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। रात के समय कभी भी धुले हुए और सूखे कपड़ों को बाहर नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इस समय खुले में नकारात्मक ऊर्जा विचरण कर रही होती है। यदि हमने खुले में कपड़े छोड़े हों तो नकारात्मक ऊर्जा हमारे कपड़ों के माध्यम से घर में प्रवेश कर जाती है। जब हम इन कपड़ों को पहनते हैं तो इसका हमारे ऊपर काफ़ी असर होता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की खास जानकारी, जिसमें हमने आपको बताया कि कपड़े कैसे बिगाड़ सकते हैं और बना सकते हैं आपकी किस्मत। हम उम्मीद करते हैं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए और मेरे चैनल वास्तु ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि मैं आपके लिए और जानकारी और नई वीडियोस लेके आ सकूं। तो दोस्तों, फिर एक और जानकारी के साथ मिलेंगे। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।